में छुप के जो आर्मी हाउस जाता था उससे क्या बात कर रही है? सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा दो नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। और मुझे पता पीछे से क्यों इसको पुश कर रहा है, क्योंकि इस गीदड़ में तो कोई दम ही नहीं था ये करने का। 13 अगस्त के बाद 90 दिन जो है गिन लें और वो इलेक्शन की तरीक है वो ले लें। कतई तौर पे कोई मुजाकरात नहीं हो रहे। लॉन्ग मार्च जितने भी हुए मुजाकरात तो बैकडोर पे होते हैं ना, वो हो रहे मुलाकात। तो सियासी मुलाकात जो आइंदा धरने में क्या होने आइंदा क्या वो मुलाकात बिल्कुल कोई नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मुल्क की सियासत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज 4th दिन है। जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है इमरान खान की बातों में मजीद सख्ती और तलखी दिखाई दे रही है। 11 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ये लॉन्ग मार्च और इसके शुरका 4 नवंबर को यानी कि जुमे के रोज़ जो है ये इस्लामाबाद पहुंचने का इरादा रखते हैं, लेकिन आज इमरान खान ने कह दिया है कि 8-9 दिन इसे मजीद भी लग सकते हैं। एक तरफ तो इमरान खान का हदफ हुकूमत वक्त है, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है कि इन चोरों के साथ खड़े ना हों। साथ ये भी कह दिया कि जो भी इस हुकूमत का साथ देगा आवाम उसके खिलाफ हो जाएगी। मुज़ाकरात की काफ़ी दिनों से बातें भी चल रही हैं, मुतज़ाद बयानात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये मुज़ाकरात कौन कर रहा है, किससे कर रहा है। इमरान खान तो पहले ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ से मैं बात क्यों करूंगा, मैं तो उनसे बात करूंगा जिनके इशारों पर शहबाज शरीफ चलते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार अब सदर आरिफ अलवी को दे दिया है और कहा है कि जिसने भी बात करनी है आरिफ अलवी से बात की जाए। उधर परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वजह से वज़ीर आला मुंतखब हुए, वो बड़े कॉन्फिडेंस होके ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात पहले भी हो रहे थे आगे भी हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उनसे ही हो रहे हैं। पंजाबी में उन्होंने ये बात की थी कि जिथे गल मुकनी है, तो आगे आने वाले दिनों में 8-9 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्या होने जा रहा है। और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हम बात करेंगे। गेस्ट जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान साहब से, हसन खाबर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ मुस्लिम लीग दून से निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। और मरूफ और सीनियर तजियाकार हैदर वहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं हैदर वहीद साहब आपसे ही आगाज़ कर लेता हूँ। हैदर साहब आपको क्या नज़र आ रहा है, 4 दिन हो गए हैं, कुछ प्रेशर डल सका है इस गवर्नमेंट पर, और आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई मुज़ाकरात का रास्ता कोई निकल सकता है, कोई बात तय हो सकती है इन दोनों के दरमियान? देखिए खान साहब, ये तो बड़ा वाज़े है कि खान साहब जो है वो कोई बहुत ज्यादा इनकलाब के पीछे नहीं है। वो जो हम सुनते थे कि कबर एक है और लोग दो हैं और आर है और पार है, तो ये सारे मामला जो है वो अल्लाह ना करे उस तरफ जाएं, बट अभी तक लग भी नहीं रहा है कि कोई ऐसी बात है। बड़ी वाजे है बात, खान साहब ये बार बार कह भी रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि देखें पहले कुछ फैसला हुआ इस्टेब्लिशमेंट से, अब वो उस पर नजरसानी कर लें, पहले उन्होंने कोई साइड बदल दी अब वापस घर आ जाएं। तो खान साहब बेसिकली उनका हदफ तो यही है कि जो है न्यूट्रल जो है वो वाकई या तो न्यूट्रल हो जाएं, रास्ते से हट जाएं, इस हुकूमत का जो है साथ छोड़ दें, ताकि खान साहब फिर इलेक्शन लड़ सकें और इस वक्त की अपनी मकबूलियत का फायदा उठाते हुए फिर से वजीर आजम बन सकें। तो ये जो हम समझ बैठे हैं कि शायद हम किसी इनकलाब की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान का पैराडाइम चेंज होने वाला है और एस्टेब्लिशमेंट की जो साख है वो इस हद तक मुतासर अब हो चुकी है कि शायद वो अपना रोल जो पाकिस्तान में 75 साल से वो लूज कर जाएं, तो मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है कि हम इस तरफ जा रहे हैं कतन। मेरे ख्याल से खान साहब जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि इतना प्रेशर हो कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पहले भी रिट्रीट कर चुकी है आरजी तौर पे, अब भी करे और उन्हें मौका मिले और वो इक्तदार में आए। आई थिंक इतनी सी बात है, इसको बहुत बड़ा बनाने की जो है वो जरूरत नहीं। लेकिन हैदर साहब अब हमें नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट करें खान साहब,
अब तो जाहिर है अगर उन पर प्रेशर डालना है तो मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी ना। देखिए ना, वो ये बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बताया था कि नवाज और जरदारी चोर और डाकू हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? और इस बात को जिस तरह से वो कर रहे हैं, बाकी बातें तो मान को ही नहीं रहे उनकी, लेकिन ये बात जो है वो पब्लिकली उन्होंने ये बात कर दी है। भाई तो जाहिर है वो अपने फायदे की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप जिनको चोर डाकू कहते थे आज उनके साथ अगर आप खड़े हो गए तो आपकी क्रेडिबिलिटी अवाम में नहीं रहेगी। वो तो बेसिकली प्रेशर डाल रहे हैं ना फौज पे और एस्टेब्लिशमेंट पे, वो उनको ये साफ साफ कह रहे हैं कि आपका इतना नुकसान मैं कर दूंगा कि बेहतर ये है कि आप आर्जी तौर पे रिट्रीट करें और मुझे इलेक्शन दे दें, वरना मैं आपका बड़ा नुकसान कर सकता हूं। तो खान साहब को वही बात बात डालने का कोई फायदा आपको हो रहा है? आपको आपको नजर आ रहा है कि खान साहब को इस चीज का फायदा हो रहा है? देखिए अभी तक तो मेरे ख्याल से उस तरह खातिर खा फायदा अगर कोई इलेक्शन लेना हदफ है तो मेरा नहीं ख्याल के हो रहा है। दूसरा मेरे ख्याल से कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की जहां तक बात है तो एट द वेरी लीस्ट खान साहब को अपनी अपॉइंटमेंट तो नहीं मिलेगी, मे बी उनके प्रेशर डालने से मियां साहब और नून लीग की जो ख्वाहिशात हैं वो डाइल्यूट हो जाए शायद, और शायद कुछ और जो हल्के होते हैं जिनकी सुनी भी जाती है, इनपुट ली जाती है प्रॉबेबली, तो शायद उनकी इनपुट का वजन बढ़ जाए मे बी। लेकिन ये कहना तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से भी दुरुस्त लग रहा है कि खान साहब को कोई अपनी चॉइस का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिल जाएगा और के खान साहब को अभी इलेक्शन मिल जाएंगे। लेकिन एक वाइल्ड कार्ड ये है कि जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना जी, तो देखिये जलसे के लिए 20,000 लोग कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन धरने के लिए अगर तो धरना जो है वो किसी भी तरह से वायलेंट हो सकता है तो 20,000 लोग बहुत होते हैं, और खान साहब का जहां तक हमने देखा है तो 20,000 लोग जमा करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन धरने में जमा करना, उनको कुर्बानी पे कायल करना, ये एक बिल्कुल अलहदा बात है। उनको उनको उनसे वोट ले लेना और उनको जलसे पे बुला के म्यूजिक सुनाना आसान है। तो ये जो अब खान साहब करने जा रहे हैं ये ना सिर्फ के मुश्किल है बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी हुआ नहीं है। और वो एक तो ये कभी नहीं हुआ कि जब आपको निकाला जाता है तो आप इजाजत के बगैर और डील के बगैर वापस आ जाएं, ये कभी नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत उन्होंने वापस हालांकि ली है लेकिन ये कभी हुआ नहीं है, और उसी तरह से धरने से हुकूमतें गिराई नहीं जाती, ये भी कभी हुआ नहीं। ठीक है, तो हसन खावर साहब, धरने से ऐसी तो पाकिस्तान की कोई तारीख नहीं है कि किसी धरने से हुकूमत गिर जाए, तो आपको क्यों ये लगता है कि आपके धरने से या आपके लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिर जाएगी? और साथ में थोड़ा सा ये भी बता दें कि क्या आप लोगों की कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो फिर किससे हो रहे हैं? अच्छा देखिए, पहली बात कि धरने से हुकूमत गिरना या ना गिरना ये मसला नहीं है, थोड़ा सा मुझे एको आ रहा है, अगर ये जरा मैनेज कर लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो आइन है वो पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम की बात करता है, और जैसी भी हमारी जमहूरियत है, नूरी लकड़ी सही, बहरहाल पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम के अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो लोगों की राय है, अवाम की आवाज़ है, और अगर अवाम की आवाज़ फ्रेश इलेक्शन के हक में हो तो जाहिर है कि उसको रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मुल्क की जो हालत है वो भी सबके सामने है, और आपने ये देखा है कि हमारी जो महंगाई है वो रिकॉर्ड सतह पे है, हमारी बरामदात गिर रही है, हमारी सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, और ये सारा कुछ जो है इसकी जड़ हमारे सियासी अदम इस्तेकाम के अंदर है। अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, एक 5 साल की गवर्नमेंट ठीक मैंडेट के साथ आएगी, वो मुश्किल मीशत को सही ट्रैक पर चढ़ा सकती है, तो हर वो शख्स जिसकी वाबस्तगी इस मुल्क के मफाद से है, जो इस मुल्क का भला चाहता है, वो चाहता है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। तो हसन साहब आप ठीक कह रहे हैं कि हम सब लोग चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन हुकूमत आपके लॉन्ग मार्च को लेकर ये ऐसे बयान दे रही है कि आप लोग यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। उनके मुताबिक कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा भी नहीं है, मईशत भी ठीक हो रही है, शहबाज शरीफ साहब ने आज एक किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भी कर दिया है, बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही है, और अगर एक कोई भी एक पार्टी जो कि इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नहीं, कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, जहां भी जा रही है कर्जों से रिलीफ की बात कर रही है, बैरूनी सरमायाकारी तो कोई नहीं आ रही, पहली बात तो ये जरा वाज़ेह कर दूं। दूसरी बात यह है कि जो इस्लाहात हो रही है वो भी हमें पता है कैसी हो रही है, अपने आप को NRO2 देने के लिए हो रही है। आते ही सबसे पहला काम क्या था हुकूमत का, नैब के कवानीन में तरह नहीं, ये भी सबने देखा है। तो ये सारा कुछ जो है
ये वाजह है। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक छीनना, इन चीजों के ऊपर फोकस है, पाकिस्तान के मफाद पर फोकस नहीं। दूसरी बात यह है कि ये तमाम पार्टियां मिल के जैसे तैसे मंडियां लगाकर हुकूमत में आ तो गई हैं, लेकिन उसके बाद से इस वजह से कि जो उन्होंने हरकतें की, और दूसरी बात ये कि ये सब इकट्ठे हो गए, इनकी जो मकबूलियत का ग्राफ है जितनी तेजी से नीचे गया है और जितनी जल्दी लोगों ने उनको रद्द किया है, ये सिर्फ हमें नजर नहीं आ रहा, ये उनको भी नजर आ रहा है। अब उनको ये समझ आ गई है कि जितनी भी कच्चे धागे या बारीक डोरी की मदद से क्यों ना हम बैठे हों, अगर हम हुकूमत से उतरते हैं तो फिर हमने बचना नहीं है, फिर हमारा एहतसाब होना है, हमने जो ये कार्रवाइयां की हैं उसके ऊपर हमें उसका जो म्यूजिक है वो फेस करना पड़ेगा। तो वो इससे किसी भी सूरत में वो इससे उतरना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि दुनिया में जब भी जद्दोजहद होती है, जब भी सियासी मूवमेंट चलती हैं, तो आपके ख्याल में हुकूमत वक्त होती है जो स्टेटस को के हामी होती है, क्या वो उनको खुशामदीद कहती है? वो तो रेंट सीख कर रहे होते हैं, वो तो यही कहती है कि जी ये इंतजार फैला रही है, लेकिन वो जो मूवमेंट कब कामयाब होती है तो वो देखते हैं कि वही लोग फिर मसलत से हट भी जाते हैं। तो जितनी भी दुनिया की डेमोक्रेटिक मूवमेंट सक्सेसफुल हुई है वो उसी तरह हुई है। कि जब अगर अवाम ये कह दे कि इलेक्शंस होने चाहिए तो फिर इलेक्शंस होने चाहिए। अब जितने टाइम के लिए ये असम्बली आई है तो क्या उसको मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए? कल को एक और असम्बली आती है और डेढ़ साल बाद कोई ऐसा लॉन्ग मार्च कर लेता है, कोई जत्था लेके आ जाता है, और क्या आपके ख्याल में फिर डेढ़ साल बाद भी फिर री इलेक्शन पे चले जाना चाहिए हमें? आपने अच्छा सवाल किया है, मुझे सिर्फ इस वर्ड पे इतराज़ है, जत्था। देखिए जत्था जो है ना, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो मुसल्ला अफराद का ग्रोह, खुदा ना खास्ता कोई हुलिगन जोन। जब आपके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात चल रही है तो फिर वो जत्था नहीं रह जाता, वो चंद लोग जो हुकूमत में रह गए और आइसोलेट हो गए। हसन साहब आपने अच्छी बात की है, मैं यहाँ पे एक खबर आपसे शेयर कर लेता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर हैं जी कामरान बंगर साहब, उन्होंने ये कहा है कि लॉन्ग मार्च में लाइसेंस याफ्ता असला साथ लेकर चलेंगे हम, और अगर हुकूमत ने गुंडागर्दी की तो अपना दिफा हम करेंगे। आप एक सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर लाइसेंस याफ्ता असला भी लेकर जा रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि दिफा करेंगे? दिफा करने का फिर क्या मतलब है? क्या पुलिस पर, रेंजर्स पर, दीगर इदारों पर फिर आप फायरिंग होगी, वहां पर हालात खराब होंगे? कोई ऐसी बात नहीं। देखें ये तो बड़ी क्लियर पॉलिसी लाइन है, बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि कानून और आईन के दायरे में रह के मार्च होगा, अदालती अहकाम की रोशनी में धरना होगा, उससे एक इंच भी हम तजावज नहीं करेंगे। ये बड़ी वाज़े बात है। आप अगर जो हुकूमत वक्त है अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देगी, लोगों में खौफ हराज फैलाएगी, तो जाहिर है लोग कोई ना कोई बात तो करेंगे। अच्छा दूसरी बात जो आपने पहले की उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। अब बात यह है कि जब मुझे आप बताएं कि आपका आइन बिल्कुल असेंबलियों की मुद्दत रखता है, लेकिन आपका आइन ये तो नहीं कहता कि आप एक मुंतखब हुकूमत को उसके लोगों को खरीद के सिंध हाउस में महबूस करके मंडी लगा के बदल दें। दूसरी बात यह है कि आइन आपको अर्ली इलेक्शन से मना भी नहीं करता। तीसरी बात यह है कि ये अर्ली इलेक्शन की बात कि मैं कह रहा हूँ अवाम का फैसला यह है, मुझे पीटीआई के लीडर्स तो नहीं कह रहे। आपने देखा कि पंजाब में जब हमारी हुकूमत नहीं थी, पंजाब में जिमनी इंतखाब हुआ, पूरी कोशिश की गई, हर किस्म की धांधली की गई हमें हराने के लिए, अवाम ने अपना फैसला सुनाया। फिर कौमी असम्बली की सीटों पर आपने देखा 16 अक्टूबर को क्या हुआ, आपने कल कुरम के इलेक्शन में देखा कि क्या फैसला आया। तो ये तो रिपीटेड फैसले आ रहे हैं अवाम के, और मुल्क के साथ जो हो रहा है, क्योंकि आप इतनी कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट तो मुल्क नहीं संभाल सकती, तो 22 करोड़ लोगों के मुल्क को हम नीचे तो नहीं जाने दे सकते। ये बड़ा अहम नुक्ता आसान साहब आपने उठाया और आपने ज़िमनी इंतखाबात का जिक्र भी किया है, और आज इमरान खान साहब ने भी आज खिताब करते हुए यही कहा है कि अभी 6 महीनों के अंदर 37 ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 29 जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। तो निहाल हाशमी साहब, क्या ये बहुत क्लियर बात नहीं है कि अब आवाम जो है वो आपके खिलाफ हो चुकी है? 37 में से 29 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लोगों की बड़ी तादाद निकलती है, तो अब आपके पास पीछे रह क्या गया इस गवर्नमेंट में? सर आपकी तवज्जो से सदफ साहबा और पूरी सहाफी बरादरी और उनके खानदान के साथ इजहार तजियत करता हूँ, क्योंकि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उस खातून ने अपनी जान दी और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो लोग 100 मोटो लेते हैं अदालतें, उनको ये उनके फ़राइज में है कि वो इस तरह की चीज़ों का 100 मोटो लें, और जो भी सहाफती तंजीम है, पब्लिकेशन की तंजीम है, मीडिया की तंजीम है, उनको भी इस पर आगे आना चाहिए।
ये सिर्फ ये नहीं हुआ है कि सदफ का इंतकाल हुआ है, सदफ का हादसा हुआ है, सदफ शहादत हो गई, नहीं, जो अब तक के एविडेंस आए उससे ये बात साबित होता है कि सदफ को उनके काम करने से रोका जा रहा था। इमरान खान के गार्ड ने सदफ को धक्के दिए और वो धक्के देने के बाद गिरी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप टीवी पे भी आ चुका है और ये सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल है। तो जो लोग इब्लाग को, मीडिया को उसके काम करने से रोकते हैं, जो लोग उसके बाद उसके शौहर को ले जाके डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कोई तफ्तीश ना की जाए, कोई FIR ना कटे, सेक्शन 320 के तहत हादसा के तो FIR कटवाए ना जी, आप हादसा तो डिक्लेयर करें उसे, चले कत्ल ना डिक्लेयर करें, हादसा तो डिक्लेयर करें, वो भी नहीं होने दे रहे। तो जो लोग एक खातून सहाफी को उसके फराइज अंजाम देते हुए रोक सकते हैं, जो लोग उसके बच्चे और उसके लवाकिन और सहाफी बरादरी को हक नहीं देते, वो पाकिस्तान में इंसाफ करेंगे? ये तहरीक फितना है, तहरीक इंसाफ नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा दीन कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल, एक इंसान की हलाकत पूरी इंसान की हलाकत है। खान साहब नीचे तक नहीं आए, वो कुचल के चले गए, चिए जाए कि उसके घर जाते, उसके लिए फातिया करते, उसके तदफीन में शरीक होते, नहीं ऐसा उन्होंने कुछ ही नहीं किया, उन्होंने एक माफ नहीं, 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 उनके उनके घर तो खान साहब गए हैं, बिल्कुल ताजियत करने के लिए गए हैं। दूसरा आपने कहा कि वो कुचल के आगे निकल गए, वो तो उतरे और साथ में उन्होंने आके देखा भी, उन्होंने कुचल के आगे निकल गए, और आज भी और कल भी उनके अपनी गवर्नमेंट है पंजाब में पुलिस सहाफियों को मार रही, आपने नहीं देखा फुटेज किस तरह से पुलिस उतरती है और सहाफियों को मार रही होती है, कैमरामैन उसको मार रही होती है। ये आपको इंसाफ देंगे? ये आजादी मार्च है, ये इस बात की आजादी है कि जितने इमरान मुखालिफ हैं, खा वो मीडिया वाले हो, खा वो सियासी लोग हो, खा वो गैर सियासी लोग हो, खा वो फौजी हो, उनको मारो, उनको बुरा भला कहो, उनको कुचल दो। इमरान खान के मार्च के एक ही मकसद है। मैं सिर्फ हसन खावर साहब से पूछना चाहता हूं, ये जो मौजूदा हुकूमत है क्या ये मार्शल लॉ के तहत आई है? क्या ये बंदूक के जोर पे आई है? क्या ये लॉन्ग मार्च करके आई है? नहीं, असेंबली के अंदर एक प्रोविजन है, उसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। आप में भी अगर है सियासी बसीरत और सियासी आपकी हैसियत तो आप जाके कर ले। और क्या आप लॉन्ग मार्च, क्या आईन में लिखा हुआ है कि लॉन्ग मार्च के बाद आप जाकर के पूरे मुल्क को इरकमाल कर लें चंद हजार लोग? क्या आईन में यह लिखा हुआ है कि जमनी इलेक्शन के बाद आप दोबारा इलेक्शन करें? और आपने कहा 5 साल की मुद्दत, तो जनाब आपको 5 साल की मुद्दत मिली थी, नवाज शरीफ के छोड़े हुए 30 रुपए आटे और 50 रुपए चीनी और 60 रुपए पेट्रोल और 100 रुपए डॉलर को आपने आसमान की बुलंदियों में पहुंचाया। आपने इस मुल्क का खारजा का बेड़ा गरक किया, दाखला का बेड़ा गरक किया, मईशत का बेड़ा गरक किया, आपने इस मुल्क के पर्याल साहब सब कुछ इन्होंने गलत किया, तो इलेक्शंस फिर आप लोग कैसे हार गए? करने को तैयार, ये जमनी इलेक्शन है ना, आप आए अपना इंतजार करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अपने टर्म्स पूरी होने के बाद इलेक्शन लड़े लड़े। जमनी इलेक्शन कोई बैरोमीटर नहीं है कि उसके बाद हमने जनरल इलेक्शन कराना, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं बनती इसकी। ठीक है जी, इस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज़ कि जब भी हुकूमत ख़तरे में आती है तो कुछ पैकेज अनाउंस करती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी किसानों के लिए बड़ा पैकेज अनाउंस कर दिया है, इसकी वजूहात क्या है, लॉन्ग मार्च से इसका क्या ताल्लुक है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर कामरान बंगश का ये बयान, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने गुंडागर्दी की तो अपने दिफा का हम हक रखते हैं। तो हैदर वईद साहब, ये जो बयान उनका सामने आया है, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे और किस तरह से दिफा कर पाएंगे, और क्या लाइसेंस, देखें असला जैसा भी हो, बेशक लाइसेंस शुदा असला ही क्यों ना हो, वो अपने पास इस नियत से रख सकते हैं वो कि जी इसका दिफा करेंगे, और आगे देख लें आगे कौन है कौन, पाकिस्तान की इस्लामाबाद की पुलिस है, इसके अलावा सिंध की पुलिस है, और हो सकता है रेंजर्स भी हो। देखें ये डबल स्पीक है, और मेन स्ट्रीम लीडरान कह रहे हैं कि फैमिलीज होंगी और बड़ा इत्मीनान होगा, बड़ा सुख चैन होगा, लेकिन फ्रिंजेस पे ये बात भी आई थिंक जान के शायद डिस्पर्स की जा रही हो, डिसमिनेट की जा रही हो, कि ये भी जहन में रहे उनके लिए जिन्होंने नेगोशिएट करना है, जिनसे खान साहब बात कर रहे हैं, जिनके पास डिक्कियों में जो है वो सिर्फ एक दो नहीं काफी लोग जाते रहे, तो वहां से मेरे ख्याल से वो उनको भी कुछ मैसेजिंग है कि स्टेक्स यहाँ पे हाई हैं, एंटी अप हो रही है,
और आई थिंक ये मैसेज जरूर वो देना चाह रहे हैं कि देखें जहां मजमा होगा इवन 15-20 हजार का क्यों ना हो, अगर वहां पे मुश्तैल हो जाते हैं लोग और अगर उनको काबू फिर करना पड़ता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है देखें किसी भी हुकूमत के लिए करना। और ये हुकूमत जो है इसकी वीकनेस ये रही है कि शुरू में इन डिसीजन की वजह से IMF में जाने में देर हो गई और कि हुकूमत रखनी या नहीं रखनी में वो रह गए। फिर उसके बाद मेहनत हुई है लेकिन फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की मेहनत कुछ इस तरह की थी कि वो सियासी बसीरत उसमें थोड़ी कम थी लेकिन महारत थी और वो आई थिंक समझ बूझ थी उनमें और वो बिल्कुल मईशत को लॉन्ग टर्म के हवाले से सही लेके चल रहे थे। और इस हुकूमत में बहुत सारे ऐसे वजीर हैं जो बेइंतहा काम कर रहे हैं, 12-15 घंटे काम कर रहे हैं मुझे बताया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम उनके नैरेटिव की है। नैरेटिव उनका इमरान खान साहब के सामने पिटा हुआ है, मीडिया पॉलिसी उनकी इमरान खान साहब के सामने पिटी हुई है। और खान साहब की अगर कैबिनेट से मुकाबला करें तो ये कैबिनेट मेरे ख्याल से ज्यादा भी काम कर रही है, बेहतर भी काम कर रही है और नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि नैरेटिव वीक है, मीडिया वीक है इस हुकूमत का और हमने देखा कि इस हद तक वीक है कि 6 माह में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते 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 अब इस हुकूमत के बाहर भी से अब होना होनी पड़ेगी। लेकिन हैदर साहब जब खान साहब गवर्नमेंट में थे तो तब उनकी भी परफॉर्मेंस कुछ नजर नहीं आती थी इस तरह से, तो जैसे ही जो बंदा ऑपोजिशन में जाता है तो उसका नैरेटिव भी बिकना शुरू हो जाता है। और खान साहब के बारे में ये जो कहा जाता है कि खान साहब अच्छी ऑपोजिशन करते हैं, अच्छी गवर्नमेंट नहीं करते, तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए खान साहब को आप देखें ना, नून लीग का फेलियर क्या है, 3.5 साल की नाअहली, बिल्कुल भूल गई है कौम को याद ही नहीं है कि खान साहब जो 10% अप्रूवल हो सकता है उनकी, जाहिर है मेरे पास ये कोई फिगर नहीं, मैं एक पॉइंट कर रहा हूँ कि 10% अप्रूवल से आज वो कोई 50 पे बैठे हैं और नून लीग जो है वो ये बावर करवा ही नहीं पाई अवाम को कि भाई ये 3.5 साल में जो हुआ है वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, ये कोई उनकी बात मानने को ही नहीं तैयार, क्योंकि उन्होंने जो है वो दिन से रात तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, खान साहब को गालियां देने, बुरा भला कहने में, करप्ट कहने में, गोगी पोगी ये सब करने में, तोशा खाना ये वो, और अपनी कारकर्दगी की कभी बात सही तरह की नहीं। तो जो एक्चुअली कंपेटिटिव एडवांटेज नून लीग को PTI पे हासिल है वो कारकर्दगी का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, कॉम्पिटेंस का है, लेकिन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी इमरान खान के बारे में, सारे ट्रेंड या इमरान खान के हक में है या उनके खिलाफ है। सही, मतलब जैसे कोई और है ही नहीं शख्स इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के। आपने अहम नुक्ता उठाया निहाल हाशमी साहब, जैसे कि हैदर भाई बात कर रहे हैं कि आपका बयानिया तो खान साहब के सामने पिट गया है, आप तो कारकर्दगी पे बात करते होते थे लेकिन जब से बयानिया की जंग आई है तो आपका बयानिया कहीं दब गया है, खान साहब का बयानिया हाथों हाथ बिक रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए उसकी एक वजह है कि एक तो ये पार्टी जो है, जो हुकूमत है वह एक पार्टी की नहीं है, इसमें सारे ये यूनिफिकेटेड गवर्नमेंट है। इमरान माजरत में एक चीज ऐड कर दूं, निहाल हाशमी साहब से मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहेंगे, माजरत में इंटरजेक्ट कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज देखिए निहाल साहब भी ये बताएं कि नजरिया भी अगर देखा जाए इमरान साहब तो नून लीग क्या कह रही है, जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नजरिया था वोट को इज्जत दो, ठीक है आज रोन दिया गया वो उस पर आएंगे, लेकिन वो एक नजरिया था कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए फौज की सियासत में, वो एक नजरिया था, वो एक मौकिफ था। खान साहब तो कह रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए बल्कि फौरन आओ मेरे कॉर्नर में बैठो, वो तो साइडिंग करवा, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह एस्टेब्लिशमेंट को ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो मेरे साथ बैठो, उनके साथ क्यों बैठो? तो नजरिए में भी नून लीग स्ट्रांग थी, उसूल पे भी स्ट्रांग थी, कानून पे भी स्ट्रांग थी, और आज अगर वीक नजर आ रही है तो ये इसलिए क्योंकि उनका नैरेटिव और मीडिया पॉलिसी पिट गई है। और ये हालांकि कारकर्दगी नहीं पिटी, खान साहब की कारकर्दगी से इस हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है, खान साहब की नजरिए से मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नजरिया ज्यादा उसूली था, बल्कि उसूली था ही वो तो, लेकिन आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं? निहाल हाशमी साहब बताएं हमें, समझाएं कि हम आज यहाँ क्यों खड़े हैं। जी निहाल साहब क्यों खड़े हैं, बल्कि आप तो बैठे हुए हैं लेटे खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि हमसे भी गलती कोताहियां हुई है। देखिए ये जो लड़ाई थी कि जो गैर जमहूरी कुवतें हैं वो सियासत में मुदाखलत किया क्यों करते हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ आर्म फोर्सेस ही नहीं है, इसमें हमारे दूसरे सतून के भी लोग आके बैठ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, हमारे जो इंसाफ देने वाले इदारे उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनके फराइज में हलफ में ये है
कि जनाब हम पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो सबसे ज्यादा सियासत में हिस्सा ले रहे, हम उसे कोने कतारे और हम कोटेड तरीके से हम उस पर बात करते थे, मगर इमरान खान साहब ने उसे अनकोटेड किया है और डायरेक्ट उन सारे इदारों को वो जाकर के बात कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो इंसाफ के इदारे हो, या लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हो, या ब्यूरोक्रेसी के इदारे हो, जहां जहां भी है उन सबको वो चैलेंज। अच्छा, उनको बात करना चाहिए सियासी लोगों से, वो सियासी लोगों से बात नहीं कर रहे, वो बात करें उन लोगों से जो गैर सियासी हैं, जिन्होंने हलफ लिया अल्लाह को हाजिर नाजिर जा के उन्होंने हलफ लिया, मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि जो लोग हलफ नहीं लेते वो तो ठीक काम करते हैं, जो लोग हलफ लेते हैं वो अपनी हलफ की पास नहीं करते और उसकी वजह से अल्लाह हमसे नाराज होता है। और ऐसे खान साहब ने भी अपने कारकुनान से हलफ ले चुके हैं, वो वैसे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इस मुल्क में फितना और फसाद होता है। ये एक आई ओपनर है, आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं ये एक आई ओपनर है। मैं मसलन एक आपको मिसाल दूं, अभी जजेस की एलिवेशन हुई, हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो जजों को सिंध के लिए लेना था उसमें से एक भी सिंधी स्पीकिंग नहीं लिया गया और मेरिट को नहीं लिया गया, इससे क्या नजर आता है? इससे जो लोग हैं, जो वकला बरादरी है, जो आम लोग हैं, जो मेरिट की बात करते हैं, जो नारे मेरिट पर लगाते हैं, वो नाराज होते हैं और फिर इमरान खान की नैरेटिव को वो स्ट्रेंथन करता है। तो हम मैं बात कर रहा हूं उन सब लोगों से जिन्होंने हलफ लिया कि पाकिस्तान को मेरिट पे चलाना है, पाकिस्तान मेरिट पे ही चल सकता है। नवाज शरीफ साहब ने डे फर्स्ट से ये बात की थी और उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब ने कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ 2018 में हुआ आज आया होगा, और यही इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ चोर है नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे बताया गया। तो आज उन्होंने सर्टिफिकेशन दे दिए कि नवाज के साहब के ऊपर जितने भी केस बनाए गए थे वो झूठे थे। नवाज शरीफ साहब जो है वो काफी लड़ाई बोले भी जब उनको गवर्नमेंट से उतारा गया, जब उनको वजीर आजम की कुर्सी से उतारा गया, लेकिन जब से आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट आई है तब से नवाज शरीफ साहब भी कुछ खामोश है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के शुरू होते ही हुकूमत की जानिब से एक बात सामने आई थी कि वो उन्होंने एक कमेटी बना दी है, मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा भी इसमें शामिल हैं और लॉन्ग मार्च के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से इस कमेटी से बात की जा सकती है। लेकिन उसके साथ ही कुछ ही लम्हों के बाद मरियम औरंगजेब ने और राना सनाउल्ला ने इस बात का इनकार कर दिया कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी और ना ही कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात होंगे। हसन खावर साहब, अगर आज भी गवर्नमेंट जो है वो आपको ऑफ़र करे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो क्या आप लोग भी गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं? अच्छा, मैं पहले तो सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि आपने दो दफा निहाल साहब को बोलने का टाइम दिया, मुझे उनकी बात को रिस्पॉन्ड करने का वक्त नहीं दिया, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपके पूरा वक्त मुझे दिया है। अच्छा देखिए, मैं पहले उन्होंने सदफ नेम की बात की, मैं सदफ को जाती तौर पर जानता था क्योंकि मैं पंजाब में स्पोक्स पर्सन भी रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी निडर खातून थी और खवातीन सहाफी के होने के तौर पर बड़ी बहादुरी से उन्होंने अपना काम किया। उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए और इमरान खान खुद उनके घर भी गए फातिहा के लिए, मौके पर रुके और उस तरह किया, मुजाहरा नहीं किया। जब नवाज शरीफ का जा रहा था मार्च, तो वो जो बच्चे का हादसा हुआ था और हमारी तमाम जो लीडरशिप है वो उनके घर गई और हम इस दुख दर्द में उनके साथ हैं। मीडिया पे जो एक अटैक का वाकया हुआ उसको भी फौरी तौर पर एसएचओ को सस्पेंड किया गया और ये बात इस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को कहते तो सूट नहीं करती, क्योंकि मीडिया के लिए तो एक डार्क एज चल रही है। आपको पता है कभी चौधरी गुलाम हुसैन को अरेस्ट करते हैं, अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे तो मीडिया के हवाले से ना ही बात करें तो बेहतर है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट क्यों इलेक्शन कराए, गवर्नमेंट क्यों नहीं इलेक्शन कराना चाहती, वो तो अपने बिलों में छुपे हुए हैं, उनको पता है, वो काउंट डाउन कर रही है, उनको पता है कि इलेक्शन में अगर आवाम के सामने आए तो वही हाल होना है जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हुआ है, तो वो तो किसी सूरत नहीं चाहती। और यही बात जो है हमें आपके सवाल की तरफ लेके आती है। देखिए, जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं उस कमेटी के हाथ में कुछ नहीं है, वजीर आजम के हाथ में कुछ नहीं है, वजीर आजम ने जो फैसला करना होता है वो तो लंदन भाग के जाते हैं, बड़े भाई जो कन्विक्टेड है वो उनको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो जहाँ पे वजीर आजम के फैसलों की कोई वक्त ना हो, अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो 3 महीने काम करता है, पता चलता है कि जी पार्टी को उस पर इतमाद है, लंदन से एक नया इम्पोर्टेंट बंदा आता है जो केसेस खत्म होते हैं कि जी वो आकर अब रन करे, तो ये इस तरह की कमेटी से मुजाकरात का तो फायदा नहीं है। तो मतलब इसलिए इस कमेटी से मुजाकरात हो या ना हो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर किससे करेंगे आप मुजाकरात? और मैंने आपको बताया कि ये इलेक्शन चाहते भी नहीं है। जी, आप फिर किससे मुजाकरात करना चाहते हैं? क्या पूछ रहे हैं? देखिए, मुजाकरात उन्हीं से करने हैं जो कुछ ऑफर कर सकते हैं,
जो फैसला करने की अहलियत रखते हैं और जो इस मुल्क के फैसलों में हिस्सेदार। कौन कौन जी, नाम बताएं उनका। आप माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, आप समझदार हैं, बिल्कुल इदारे हैं, इदारों का भी इसमें किरदार है, उनको निगोशिएट वो कर सकते हैं, ब्रोकर कर सकते हैं निगोशिएशन। उनका क्या आईनी किरदार है, ये आईनी किरदार है करवाने के लिए सर। नहीं देखिए, बात मैं आपको बताऊं, मैं अगर आप उनसे मुतालबा कर रहे हैं तो आप नहीं समझते कि आपका ये मुतालबा गैर आईनी है। जरा बता दे आईन क्या कहता है। मैं बता देता हूं, मुझे एक सेकंड दें, मुझे एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसका जवाब देता हूं। देखिए मेरी आईन ये कहता है कि मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की बुनियाद पर जमहूरियत चलनी चाहिए और इदारों का किरदार नहीं होना चाहिए, आईन के मुताबिक होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक दिन वो स्टेज अचीव करे जहां पर हमारी जमहूरियत इतनी मजबूत हो, लेकिन आज की बात जो होगी वो मेरी मुस्तकबिल की ख्वाहिशात को मद्देनजर रख के तो मैं बात नहीं करूंगा ना। आज की जो बात करूंगा वो तो आज के हालात को देख के करूंगा ना, या मैं एक मुस्तकबिल वईद की बात करूं कि जी 10 साल के बाद जब पाकिस्तान में ऐसी स्टेज आएगी तब ऐसे होगा। तो रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक बात करनी चाहिए इंसान को। लेकिन हसान साहब वो तो देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी, जैसे डीजीआईएसआई खुद सामने आ गए, उन्होंने कहा कि हम ए पोलिटिकल है, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। फिर आपकी जानिब से उन्हीं से ये मुतालिबा आप नहीं समझते, फिर ये आपका गैर आईनी मुतालिबा है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल रहे, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये पॉलिटिकल रहे इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इदारों को ए पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन इस मुल्क का मुफाद तो सबका मुफाद है ना, उसमें मैं और आप भी स्टेक होल्डर हैं, उसके अंदर फौज, एस्टेब्लिशमेंट, बाकी इदारे, अदलिया, ये सब स्टेक होल्डर हैं, सारे पाकिस्तान का मफाद चाहते हैं और सबको अपना अपना किरदार तो अदा करना है। और ये तो नहीं कर सकते कि पिछले 75 साल में जो हुआ है एकदम उससे आंख बंद कर लें, तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें मज़ीद भी, हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ किसी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हैदर वहीद साहब, जैसे कि हसान साहब की गुफ्तगू आपने भी मुलाहिजा की, वो ये कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर जो भी हैं उनसे मुतालबा किया जा सकता है, और वो कहते हैं आईनी जमहूरी मुतालबा है हमारा। आप माशाल्लाह माहिर कानून भी हैं, कानून और आइन को समझते भी हैं, ज़रा हमें भी बताइए कि आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है या नहीं है? नहीं, कतन कोई गुंजाइश नहीं है और किसी सूरत गुंजाइश नहीं है, इन नो वे शेप और फॉर्म गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल से ये बात भी बहुत वाजह होनी चाहिए कि खान साहब जो है उनका कोई मॉरल हाई ग्राउंड भी यहाँ नहीं है ये कहने का कि मैं जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से जाके इलेक्शन ले लूंगा और मैं इतना प्रेशर डालूंगा एस्टेब्लिशमेंट पे उनको बुरा भला कह के कि वो, ताकि अब उनको बुरा भला ना कहा जाए, वो इस हुकूमत से कहें कि हमें बुरा भला ताकि इमरान खान ना कह इसके आप इलेक्शन करा दें। तो खान साहब जो है वो बेसिकली ये स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं जिसका आईन में किसी तरह से दायरा कार में ये बात नहीं आती। देखें आईन में एक बात होती खान साहब की, अगर खान साहब ये दिखा पाते, जो कि अभी तक दिखा नहीं पाए हैं, कि वाकई जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो गैर आईनी था और एक वाकई एक साजिश और मुदाखलत थी, बैरूनी या अंदरूनी या दोनों, अगर खान साहब ये दिखा पाते कि वहां आईन से हट के उसे जो है वो सबवर्ट करके ये सारा काम किया गया है और ये एक बैनुल अक्वामी और अंदरूनी साजिश थी, तो कहीं उनका शायद मॉरल ग्राउंड बनता कि वो भी फिर जो है सड़कों पे, जिस तरह जब पीसीओ लगा था, जजेस को बरतरफ किया गया था, हम अदालतों में नहीं जाते थे, हम कहते थे कि ये अदालतें नहीं है, हम नहीं मानते इन अदालतों को, तो वो सही था क्योंकि वो आईन को तोड़ के जिन लोगों को बिठाया हो तो उनको जज मानना हमारा आईनी फर्ज नहीं है। चले वो लेकिन क्योंकि खान साहब ये चीज नहीं दिखा पाए जो वो कर रहे हैं वो गैर आईनी। आज तो अदालती फैसलों को नहीं मान रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उन्होंने 10 अरब रुपए का हर्जाना कर दिया है, गवर्नमेंट को नहीं मान रहे, किसी को भी नहीं मान रहे, तो फिर आज के हालात में उनकी ये बात आपने अहम की है इमरान, देखें वो क्या करते, उनकी स्ट्रेटेजी शुरू से ये रही है कि ये सारे तो चोर है, तो मैं बात नहीं, तो वो तो चाहे पसे पर्दा बात कभी होगी भी थी, वो ये बोलते ये तो मानेंगे नहीं कि हुकूमत से या पीएमएन नून या पीपीपी की लीडरशिप से कम बात हुई है या शरीफ खानदान और जरदारी भुट्टो खानदान से बात हुई है, इस पे तो वो मानेंगे नहीं कभी। वो ये वो इस सियासत को लेके चल रहे हैं कि ये सब कट्ठे हैं, ये सब चोर हैं, ये सब एक तरफ हैं और मैं खड़ा हूं जी, और इसलिए वो ये वाली सियासत कर रहे हैं और वो कहते हैं दो ही ताकतें, मैं हूं और फौज है।
निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब चले वो कहते हैं, खान साहब कहते हैं मैं चोर डाकुओं से नहीं मुजाकरात करूंगा, तो आप तो सियासी जमातें जमहूरी जमातें हैं, आप ही कर लें उनसे मुजाकरात, हाथ क्यों नहीं बढ़ा देते आप? आपने बहुत अच्छी बात की, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने कायदे हिज्ब इख्तलाफ बनते ही उनका हाथ बढ़ाई थी, और उससे पहले आपको याद होगा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब केपी में बच्चों के एपीएस के स्कूल का वाकया हुआ तो चल के गए थे, इमरान खान साहब के पास गए थे, बारह गए थे, हमें जाने में कोई इतराज नहीं है, हम हर के पास जाते हैं, देखिए कोई छोटा नहीं हो जाता है, हम जाने को तैयार हैं। ये सबसे बड़ी गलती तब की इन्होंने जब इन्होंने असेंबली से इस्तीफा दे दिया, आज अगर वो बैठे होते हैं असेंबली में तो असेंबली में बैठ करके जमहूरी बातें करते, आज उनको गैर जमहूरी ताकतों की तरफ नहीं देखना पड़ता। सर किसी तरीके से असेंबली में ले आए ना आपने, काम कर रहे हैं गैर जमहूरी, नहीं उनको खुदाना चाहिए, उनके लोग उनको छोड़ जाएंगे, आप देखिए अगर वो असेंबली में नहीं जाएंगे पीटीआई के लोग पीटीआई को छोड़ जाएंगे, क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट की सियासत करते हैं वो इनके साथ नहीं खड़े होंगे। और नवाज शरीफ की वो बात बार बार मैं आपको दोहराऊंगा कि देखिए 2018 में भी उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को आईन और कानून के तहत चलाना है, और जो लोग नहीं चलाने दे रहे और जो लोग नहीं चला रहे और जो तआवुन नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आसान खबर साहब, हैदर वहीद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए।